वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रश्मि और मैं आज आपके साथ एक गार्नियर का फेस सेरम मास्क का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ टोटल डेमोन्स्ट्रेट के साथ। इससे पहले मैं गार्नियर का और एक लेमन फ्लेवर वाला मास्क का रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ, वो मास्क जबरदस्त था। तो इस तरह का गार्नियर का चार ही मास्क मार्केट में अवेलेबल है, तो मुझे लगा कि ये पिंकिश फ्लेवर वाला मास्क आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये मास्क अप्लाई करने के बाद फेस पे जस्ट 15 मिनट के बाद आपके फेस पे एक पिंकिश जैसा ग्लो आ जाएगा, ये उनका क्लेम करना है। तो मैं इसे फर्स्ट टाइम यूज करने जा रही हूँ, तो फिर चलिए आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसे कैसे अप्लाई करना है या अप्लाई करने के बाद फेस पे कोई ग्लो आता है या नहीं आता है, पूरा डेमोन्स्ट्रेट के साथ मैं आपको दिखाऊंगी, तो फिर मेरे वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। जैसे कि आप ये देख सकते हो, गार्नियर नेचुरल का सकुरा व्हाइट एक सेरम मास्क है। ऐसे ये एक पिंक कलर की पाउच में आता है, जो कि देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव है। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट इसमें मिला हुआ है वो है सकुरा। सकुरा मतलब ये एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है कि पिंक ब्लूजम्स। आप जैसे ये देख सकते हो पाउच के ऊपर इसे पिंक कलर का फ्लावर किया हुआ है, ये है उसका मेन इंग्रेडिएंट। और इसके साथ मिला हुआ है हाइड्रोकोनिक एसिड। ये सकुरा और ये हाइड्रोकोनिक एसिड मिला के ये सेरम मास्क बना हुआ है, और उसके साथ बहुत ही ज्यादा सेरम ही है। और ये स्पेशली उन स्किन बालों के लिए है जिनका स्किन थोड़ा डल दिखता है या फेस पे ग्लो नहीं आता है, लैक ऑफ ग्लो जिनके स्किन पे है, या आपके स्किन पे इंस्टेंट ग्लो देने में ये मास्क हेल्प करता है। ओनली 15 मिनट अप्लाई करना है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें बहुत ही क्वांटिटी में सेरम है, तो आप इसे फेस पे 30 मिनट या 45 मिनट तक रख सकते हो। तो इस तरह से ये पैकेट आता है, और उसके नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है आपको इसे कैसे अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है, कितना देर तक अप्लाई करना है। और इसका जो प्राइस आता है, इसका प्राइस 99 रुपीज होता है। आप इसे मार्केट में मिल जाएगा या आपको ये ऑनलाइन में भी मिल जाएगा। तो आप ये देख सकते हो ये एक 32 ग्राम का आता है। तो फिर चलिए मैं आपको इसे इसके ऊपर अप्लाई करके किया इसे सच में कोई पिंक जैसा ग्लो फेस में आता है या नहीं आता है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ट्राई है। तो अभी ये मास्क को पैकेट में से निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए वो उसने मार्क दिए हैं, तो आप जिसे देख सकते हो ये मास्क है वन मास्क इज इक्वल टू 1 week ऑफ सेरम। मतलब अगर आप इसे फेस पे अप्लाई कर लेंगे तो आपको 1 week तक फेस पे कोई भी सेरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इसमें इतना सेरम है कि वो आपके फेस को टोटल हाइड्रेट करेगी। तो पैकेट ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से ये मास्क आता है। आप देखिए बहुत सारा क्वांटिटी में सेरम है, इनफैक्ट पैकेट के अंदर भी बहुत सारा सेरम है। आपको इसे अनफोल्ड कर लेना है। ये इस तरह से एक दो लेयर में आता है, एक ब्लू और एक व्हाइट। देखिए आप ये बहुत बड़ा सा एक मास्क है जिसमें भर भर के सेरम पूरा हुआ है। कुछ एक्स्ट्रा ही सेरम उनने दे दिया है उसके अंदर। इस तरह से आपको इसे फेस के ऊपर लगा लेना है। ऐसे ये दो लेयर में था, एक व्हाइट उसके ऊपर एक ब्लू कलर का लेयर। उसको लेयर उतरने के बाद भी इसमें बहुत सारा सेरम लगा हुआ है, बहुत सारा सेरम है। और इसे जो पैकेट है ना, पैकेट के अंदर भी बहुत सारा सेरम है। तो जैसे कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा ही सेरम उन्होंने दे दिया है, आपको इसे फेस पे लगा लेना है। मेरा फेस थोड़ा छोटा है, इसके हिसाब से थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अगर आपका फेस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये मास्क आपके फेस के ऊपर फिट आ जाएगा। इसे हमें फेस के ऊपर इसे 30 मिनट रखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेरम है। उसके बाद उतारने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि सच में कुछ ग्लो जैसा आता है या नहीं आता है। कुछ आधा घंटा हो गया है, उसके बाद अभी हमें मास्क को ऐसे उतार लेंगे। जैसे देख सकते हो उसके बाद इसमें जो सेरम लगा हुआ है, आप देख सकते हो आधा घंटा रखने के बाद भी फेस पे बहुत ज्यादा सेरम लगा हुआ है। उसके बाद हम इसे फिंगर की टिप्स की हेल्प से फेस पे ऐसे सीरम को मसाज कर लेंगे। और आपको एक चीज याद रखना है, आपको मास्क को उतारने के बाद फेस को वॉश बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ऐसे फेस को बस 5 मिनट तक ऐसे मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपको 15 मिनट के लिए फेस को ऐसे छोड़ देना है।
इससे जैसे वो 15 मिनट हो जाए उसके बाद अगर आपको कहीं पे बाहर जाना है या किसी के शादी अटेंड करने जाना है या कोई फंक्शन में जाना है उसके ऊपर मेकअप कर लीजिए फिर आप चली जाइए। लेकिन मास्क उतरने के बाद ही आप बाहर मत जाइए, थोड़ा उसको टाइम दीजिए, जो सेरम है उसको फेस पे ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए, उसके बाद फेस पे एक ग्लो आएगा। देख सकते हो ओनली 99 रुपीज में ये पैक, मतलब कि वर्थ ऑफ मनी है। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, कोई पिंकीज जैसा ग्लो फेस पे नहीं आया बट थोड़ा ग्लो आया। अगर हम फेस के बात करते हैं तो मुझे थोड़ा सा ऐसे सॉफ्ट फील हो रहा है। तो गाइज आप इसे ट्राई कीजिए, अगर आपके फेस थोड़ा डल हो गया है या आपके फेस पे थोड़ा आप ग्लो लाना चाहते हो तो सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप थोड़ा होम रिमेडी ट्राई करो, क्योंकि होम रिमेडी सबसे बेस्ट होता है। उससे अलावा अगर आपके फेस पे इंस्टेंटली ग्लो चाहते हो तो आप ये 2-3 पैक ला के घर पे रख लीजिए फ्रीज पे, और जब आपको कहीं बाहर जाना है या सडनली कोई फंक्शन आ जाए तो फेस के ऊपर आप इसे अप्लाई करिए। बस आधा घंटा रखना है, उसके बाद फेस के ऊपर 5 मिनट तक इसे मसाज करना है, उसके बाद आप उसके ऊपर मेकअप करके बाहर जा सकते हो। तो आपको गाइस मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।